एक युवा सांसद के तौर पर मैं अपनी उम्मीदों को संविधान के साथ जोड़कर खास तौर पर ये बताना चाहती हूँ कि आज हमारे देश में पिछड़े, दलित, अल्पसंख्यक समुदाय को किस तरह अपने संवैधानिक अधिकारों और आज़ादियों की हिफाजत के लिए हर रोज मुश्किलों का सामना करना पड़ रहा है। डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के कथन से अपनी बात रखना चाहती हूँ। उन्होंने कहा था, मुझे अपने भारत वर्ष पर फक्र है कि जिसके पास ऐसा संविधान है जो लोकतंत्र, समाजवाद और सेक्युलरिज्म को संजोता है। लेकिन आज ऐसा लगता है जैसे संविधान की किताब तो है पर इसे चलाने वालों का ईमान गुम हो गया है। आज हिंदुस्तान में हर वर्ग को किसी न किसी चुनौती का सामना करना पड़ रहा है, मगर अल्पसंख्यक, खासतौर पर मुसलमानों पर जो कहर टूटा है वो किसी से छुपा नहीं है। ये लोग सिर्फ अपने मजहबी पहचान की वजह से निशाने पर हैं। संविधान का अनुच्छेद 15 कहता है कि किसी भी नागरिक के साथ धर्म, जाति या किसी और वजह से भेदभाव नहीं होना चाहिए, लेकिन हकीकत इसके उलट है। हालात इस कदर बिगड़ चुके हैं कि हेट स्पीच, मॉब लिंचिंग, बुलडोजर द्वारा घरों को गिराने की घटनाएं आम हो गई हैं, खास तौर पर उत्तर प्रदेश में, जहां ऐसा लगता है जैसे कानून के नाम पर जंगल राज चल रहा हो। संभल में जो हुआ वो सबके सामने है। पुलिस के संरक्षण में निर्दोष लोगों की हत्या की गई और सरकार ने चुप्पी साध ली। अल्पसंख्यकों पर हिंसा बढ़ती जा रही है, मगर सत्ता में बैठे लोग या तो आंखें मूंदे हुए हैं या फिर इन घटनाओं को बढ़ावा दे रहे हैं। हद तो तब हो जाती है जब न्यायपालिका की बात भी अनसुनी कर दी जाती है। सुप्रीम कोर्ट ने मॉब लिंचिंग पर 11 सूत्रीय निर्देश जारी किए थे। इसमें साफ कहा गया था कि राज्य सरकारें और पुलिस इस तरह की घटनाओं को रोकने और दोषियों पर सख्त कार्रवाई करने के लिए जिम्मेदार हैं, लेकिन आज भी इन निर्देशों पर अमल नहीं हो रहा है। हाल ये है कि मॉब लिंचिंग को रोकने की बजाय सत्ता में बैठे लोग आग में घी डालने का काम कर रहे हैं। उनकी जुबान से ऐसी बातें निकलती हैं जो नफरत को और बढ़ावा देती है। ये अशांति अब इतनी गहराई तक फैल चुकी है कि हमारे समाज के धर्मनिरपेक्ष चरित्र पर गंभीर सवाल उठ रहे हैं। साल की शुरुआत में ही कई राज्यों में दुकानदारों को अपने नाम बोर्ड पर लगाने के लिए मजबूर किया गया। इसे सेहत और सुरक्षा के कानूनों का हिस्सा बताया गया, मगर असल मंशा कुछ और थी। ये कदम खास तौर पर मुसलमान दुकानदारों को निशाना बनाकर उठाया गया ताकि उनकी रोजी रोटी पर चोट की जाए। पिछले हफ्ते मुरादाबाद में एक मुस्लिम डॉक्टर को हिंदू बहुल्य मोहल्ले में घर खरीदने पर विरोध झेलना पड़ा। वजह बताई गई कि इससे मोहल्ले की सामाजिक शांति बिगड़ जाएगी। अब आप ही बताइए, क्या ये वजह सही है, जायज है? असल में ये छोटी बड़ी घटना इस बात का सबूत है कि सांप्रदायिकता को बढ़ावा देने वाले बयान और नीतियां हमारे समाज को अंदर से खोखला कर रही है। उत्तर प्रदेश में यति नरसिंहानंद ने बेहद घटिया बयान दिया, लेकिन सरकार इन बयानों पर कोई कार्रवाई नहीं कर रही। हेट स्पीच न केवल जनमानस के विचारों को प्रदूषित करती है, बल्कि इससे अब संवैधानिक पदों पर बैठे लोगों को भी प्रभावित कर दिया है। अभी हाल ही में माननीय उच्च न्यायालय इलाहाबाद के माननीय न्यायाधीश ने ऐसे बयान दिए जिसका संज्ञान खुद सुप्रीम कोर्ट को लेना पड़ा। संविधान के अनुच्छेद 29 और 30 ने अल्पसंख्यकों को उनके मजहबी और सांस्कृतिक हक दिए हैं ताकि वो अपनी पहचान को बचा सके और अपने संस्थान चला सके, लेकिन आज उन्हीं हकों पर हर तरफ से चोट की जा रही है। वक्फ जैसे बिल लाकर उनके धार्मिक अधिकारों को छीनने की कोशिश की जा रही है। आज अल्पसंख्यक समुदाय को संविधान द्वारा दिए गए अपने बुनियादी अधिकार पाने के लिए लंबी लड़ाई लड़नी पड़ रही है। ऐसे कई मामले अदालत ने न्याय देकर संविधान की रक्षा की है, लेकिन अदालती प्रक्रिया में जो समय लगता है उसकी वजह से देश के सामाजिक ताने बाने को भारी नुकसान उठाना पड़ता है। मिसाल के तौर पर इलाहाबाद हाई कोर्ट ने 2004 के मदरसा एक्ट को रद्द कर दिया था, जिससे मदरसों के संचालन पर सवाल उठे। हालांकि सुप्रीम कोर्ट ने बाद में इस फैसले को पलट दिया और एक्ट को वैध करार दिया, लेकिन इस प्रक्रिया में जो समय लगा उसने अल्पसंख्यकों को बेचैनी और संघर्ष के दौर में डाला है। इसी कड़ी में प्लेसेस ऑफ वर्शिप एक्ट 91 भी आता है
और कई अन्य अधिकार उन्हें भी इसी तरह अदालती लड़ाइयों में उलझाया जा रहा है। ये स्थिति न केवल अल्पसंख्यकों के अधिकारों की राह में रुकावट है बल्कि जस्टिस डिलेड इज जस्टिस डिनाइड जैसी कहावत को सिद्ध करती है। मैं इस सदन से दुनिया भर के अल्पसंख्यकों की आवाज उठाना चाहती हूँ, खास तौर पर हमारे पड़ोसी देश बांग्लादेश में अल्पसंख्यकों के साथ जो हो रहा है वे दिल को गहरे तक चोट पहुंचाने वाला है। उनकी जान माल की हत्या की जा रही है। बांग्लादेश हो या हिंदुस्तान हो या कोई और देश, अल्पसंख्यकों की सुरक्षा, इज्जत और अधिकारों की हिफाजत हर सरकार की सबसे पहली जिम्मेदारी होनी चाहिए। मैं इस सदन से अपने देश के अल्पसंख्यकों के साथ बांग्लादेश के पीड़ित अल्पसंख्यकों की आवाज को एक साथ उठाना चाहती हूँ। ये वक्त की पुकार है कि हम सब मिलकर ये सुनिश्चित करें कि किसी भी इंसान को उसकी पहचान या मजहब के कारण डरकर जीने पर मजबूर ना होना पड़े। जहाँ हक छीने जाते हैं वहाँ अमन खो जाता है, ये बात हर सरकार को समझनी चाहिए। अगर हम सच में अपने संविधान का सम्मान करना चाहते हैं तो हमें नफरत और भेदभाव को खत्म करना होगा। हमें ये दिखाना होगा कि ये मुल्क हर वर्ग, हर जाति, हर धर्म और हर समुदाय का है, और जब तक ऐसा नहीं होगा तब तक संविधान की आत्मा सिसकती रहेगी। सर, अपनी बात को खत्म करते हुए मैं एक शेर अर्ज करना चाहती हूँ। ये दाग दाग उजाला, ये शब गजीदा शहर, वो इंतजार था जिसका, ये वो शहर तो नहीं, लेकिन अगर इस सदन में बैठे हम सभी सदस्य ये ठान ले कि हमें संविधान के मूल्यों को लागू करना है और उसे लागू करने का प्रयास करें तो वे सुबह जरूर आएगी जिसके लिए लाखों भारतवासियों ने अपने जानों की कुर्बानी दी। श्री हनुमान बेनीवाल जी, धन्यवाद सभापति जी।